है फतेहाबाद दौरे पर बीजेपी प्रभारी वल्लभ देव। इस वक्त की बड़ी खबर, नागरगांव में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे बीजेपी प्रभारी। तो आपको बता दें, सांसद सुनीता दुग्गल, एमएलए अधूरा राम भी मौजूद रहेंगे। संगठन आगामी चुनाव को लेकर चर्चा है वो यहां पर की जाएगी। रतिया और टोहाना में भी होगी चुनावी चर्चा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, फतेहाबाद दौरे पर बीजेपी प्रभारी वल्लभ देव। इस वक्त की बड़ी खबर, नागरगांव में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे सांसद सुनीता दुग्गल, एमएलए डूडाराम भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। संगठन आगामी चुनाव को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। रतिया और टोहाना में भी चुनावी चर्चा जो है वो की जाएगी। तो फतेहाबाद दौरे पर बीजेपी प्रभारी वल्लभ देव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नागरगांव में कार्यकर्ताओं की बैठक बीजेपी प्रभारी लेंगे सांसद सुनीता दुग्गल, एमएलए डूडाराम भी मौजूद इस मौके पर रहेंगे। संगठन आगामी चुनावों को लेकर चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। रतिया और टोहाना में भी चुनावी चर्चा होगी। तो फतेहाबाद दौरा बीजेपी प्रभारी वल्लभ देव का काफी महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। धागड़गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे सांसद सुनीता दुग्गल, एमएलए डूडाराम भी मौजूद रहेंगे। तो संगठन आगामी चुनाव को लेकर चर्चा जो है वो इस दौरान की जाएगी। रतिया और टोहाना में भी चुनावी जो चर्चा है वो की जाएगी। फतेहाबाद दौरे पर बीजेपी प्रभारी वल्लभ देव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। धागड़गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक जो है वो लेंगे सांसद सुनीता दुग्गल, एमएलए डूडाराम भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। तो संगठन और आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति यहां पर रहे। रमेश कुमार फतेहाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फतेहाबाद दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी। देखिए, मुझे बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी द्वारा लगातार जो लोगों और जो कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो लगातार नेता जो बाहर जा रहे हैं, फतेहाबाद की बात की जाए तो आज फतेहाबाद में जो बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव है, ये आज फतेहाबाद के गांव धांगण में पहुंचेंगे और करीब 12 बजे के करीब जो गांव धांगण में एक सम्मेलन का आयोजन जो बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, इसमें जो फतेहाबाद के मौजूदा विधायक डूडाराम व सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रहेंगी और इसमें जो कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद आगामी जो चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसमें चर्चा भी जो ग्रामीण द्वारा विप्लव देव द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल रमेश, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं संगठन को मजबूती देने के लिए। कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है किसी भी पार्टी के लिए, उन्हें मजबूती देने का काम कर रहे हैं और आज फतेहाबाद का ये दौरा, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम जो है ये कल शाम को निर्धारित किया गया था तो गांव के धांगड़ गांव के सरकारी स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि बता दूं कि परसों जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी जो फतेहाबाद में पहुंचे थे तो उसके बाद जो यहाँ चर्चा की गई थी और कार्यकर्ताओं द्वारा जो और पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया था कि बीजेपी इस बार जो किस प्रकार का जो आने वाले चुनावों में प्रदर्शन रहेगा, तो उसके बाद उनका कहना था कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उन्हें कुछ कमजोर नजर आ रही है, जिसके बाद जो लगातार कंपेनिंग चलाई जा रही है लोगों से मिलकर और जो पार्टी के अन्य जो कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल जो चुनावी मैदान के लिए तैयारियां नहीं कर रहे हैं उन्हें जागरूक किया जा रहा है और पार्टी को मजबूत किया जाएगा ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में फिर से बीजेपी की सरकार बन सके। जी, और इस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के विधायक डूडाराम और शिक्षा सांसद सुनीता दुग्गल इस जो आज इनके साथ मौजूद रहेंगी और इसके बाद जो कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के बाद कार्यकर्ता जो पार्टी के नेता हैं उनसे भी मुलाकात विप्लव देव इनके द्वारा की जाएगी और आगे क्या निर्देश दिए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इस तमाम जानकारी के लिए।